दोस्तों, मैं यहीं पे बात करूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स के बारे में, यानी कि ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनमें जो एनालाइजर होते हैं या इन्वेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जो म्यूचुअल फंड होता है बेसिकली वो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 करोड़ रुपये वहाँ पर सबमिट किया, उसका जो इंटरेस्ट या ब्याज उसको आने वाले दिनों में 1 करोड़ 10 लाख होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कि आपका 50 लाख यहाँ लगा दिया, 20 लाख वहाँ लगा दिया, 30 लाख वहाँ पे लगा दिया। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये होती है बेसिकली। तो वो एक एक अगर सीधी सी वे में कहें तो एनालाइजर की तरीके काम करते हैं। एंड दोस्तों, डेफिनेटली सी बात है, ये जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में इसकी जॉब्स कम हैं, यानी कि इतना कम नहीं कि जॉब्स ही नहीं, जॉब्स हैं लेकिन एज कम्पेयर टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट या चार्टेड अकाउंट्स, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब्स कम हैं। दोस्तों, इसका जो सैलरी है वो मतलब अगर आज स्टार्टअप भी आप करोगे तब भी आपको 20-25 मिल जाएगा। एंड अगर बात करूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की या आपकी नॉलेज और स्किल पे, तो यहाँ पे आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का भी पैकेज मिल जाता है, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं वो हाईएस्ट पेड जॉब हैं इंडिया की, और इसमें थोड़ी सी जॉब्स कम होती हैं लेकिन सैलरी इसमें अच्छी खासी होती है। और जब आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ती रहती है किसी भी फील्ड में हो वो बेसिकली। अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन दो चीज़ों के लिए, तो अगर आपको एक्सपीरियंस या नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी वहाँ पे बढ़ती जाती है, आप चाहो तो इसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। ऑन आईटी की है और आप इसे कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी, फ्यूचर और ग्रोथ बना सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको इंस्टाग्राम के आइडिया आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, वहां पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद।